हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये टू कलर का डिज़ाइन है। ये देखिए, मैंने एक सॉक्स बनाई हुई है, ये सॉक्स भी बनाना मैंने आप लोग को बताया ही है। उसी सॉक्स में ये डिज़ाइन बनाई हुई है। ये काफ़ी बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगती है जब ये सॉक्स बनकर तैयार होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूरी सॉक्स ऐसे लगती है कि यहाँ से फ्लावर है और ये सारी इसकी कली निकली हुई है। देखिए, आप लोग देखेंगे ये पहनने के बाद काफ़ी बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे तो मैंने ब्लू और वाइट का कलर का यूज किया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे छोटी वाली मैंने बॉर्डर डाली है। उसके बाद मैंने ये सी ग्रीन एंड रेड कलर का देखिए कलर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें स्टार्टिंग में जब हम सेकंड कलर लगाते हैं तो देखिए, सेकंड कलर जैसे हमने यहाँ पे रेड लगाया हुआ है, आप चाहे जो भी कलर लगाएं, तो पहले हमने ये देखिए तीन फंदे को सीधा सीधा निट करना है। एक फंदे को हमने ऐसे स्लिप करना है, देन थ्री फंदे देखिए, फिर एक हमने ये स्लिप करना है, फिर तीन फंदे को हम निट करेंगे। ये देखिए, एक फंदे को हमने स्लिप करना है, फिर तीन फंदे को देखिए हम लोग निट करेंगे, वन टू थ्री, एक स्लिप करेंगे। ये देखिए, एक स्लिप कर लिया, फिर हमने ये तीन फंदे को बुन लेंगे और एक उतार लेंगे। तीन फंदे को हम बुनेंगे, एक उतारेंगे। ये डिज़ाइन आप किसी भी पैटर्न पे, छोटे बच्चों के स्वेटर पे, कैप पे, कहीं भी डाल सकते हैं, सॉक्स पे। बहुत ही प्यारा लगता है ये बनने के बाद, और बहुत इजी भी है। आपने देखिए ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर हमने यहाँ पे तीन बुनेंगे, एक निट करेंगे और सॉरी स्लिप करेंगे। यहाँ पे दो फंदे बच रहे हैं, तो दोनों को हम रेड। अब बैक साइड से देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। बैक साइड से हमने क्या करना है, बैक साइड से भी हमारे सारे फंदे सीधा सीधा बुना जाएगा। बैक साइड से भी हम सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को बैक पीछे करेंगे और जो हमने ये स्लिप किया हुआ है फंदा, उसको स्लिप करेंगे, ऊन को आगे करके जो हमने बुना है उसको भी सीधा सीधा बुनेंगे, और ऊन को पीछे करके जो हमने उतारा है उस फंदे को उतारेंगे, फिर ऊन को पीछे किया, इसको स्लिप किया, ऊन को आगे की साइड किया, और ये तीनों फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ऊन को पीछे किया, इसको उतारा, और फिर ये तीनों फंदों को हम देखिए उनको पीछे, फिर देखिए ऐसे ही देखिए आप करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पीछे करके तीन फंदे हमने, बहुत इजी है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी भी ये बनता है डिज़ाइन। इसमें कोई इशू नहीं है फंदे का, और ना ही कोई जाली वगैरह है, तो ये सारे बिगनर्स लोग भी बहुत आराम से बना सकती हैं। ये देखिए, अम्मा देखा, साइलेंट रहो।
देखिए एक फंदे हमने ऐसे स्लिप कर लिया। फिर उनको पीछे लाएंगे और ये तीनों फंदे को हम बुन लेंगे। आप दो कलर का कोई भी ऊन ले सकते हैं फ्रेंड्स, और ये मल्टी कलर में भी बन जाएगा बट अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपको क्या क्या करना है कलर में बनाने के लिए, देखिए अभी तो ये दो सिलाई कंप्लीट होगा तो हमारी एक रो डिजाइन बनके कंप्लीट होगी, ये देखिए। फिर उनको, और ये हमारे लास्ट के तीन फंदे हैं, इसको हमने बुन लिया। ये देखिए हमारे डिजाइन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा बनकर ये आया है। अब हमने क्या करना है, एक रो हमारी समझ लीजिए एक डिजाइन अभी बनी है। अब हमने ग्रीन कलर को लेंगे, जिस कलर से हम फंदे को उतारेंगे वही कलर हमने लेके, फिर देखिए सारे फंदे को हमने ये सीधा सीधा बुन लेना है, सारे फंदे को हमने सीधे सीधे बुन लेना है। ये देखिए सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्रंट साइड से निट करके पूरा कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड से हमने क्या करना है, फंदे को हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। आगे की साइड से हमने सीधा सीधा और पीछे के साइड से उल्टा उल्टा। तो हमने देखिए फ्रेंड्स, दो सलाई डिजाइन बनाने के बाद फिर हमने ये दो सलाइयों का, एक सलाई उल्टा और एक सलाई सीधे का, मतलब ये हमारी दो सलाई के बनने के बाद फिर हमारी डिजाइन सेम एज ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। ये आपने पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है, फ्रंट साइड से फ्रंट सीधा सीधा उल्टा उल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बैक साइड से भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी डिजाइन देखिए एक बन गई है। एक बार मैं और आप लोग को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने तीन फंदे बुनने हैं, दिखा देती हूँ मैं बुनकर आपको। देखिए तीन फंदे हमने रेड से बुनने हैं, और ये देखिए ये आपका जो आप स्लिप करेंगे यानी उतारेंगे वो हर बार ऐसे ही आपकी लाइनिंग बनती हुई चली जाएगी। फिर तीन फंदे हमने देखिए अच्छा, तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक स्लिप कर दिया, फिर उसके बाद तीन फंदे हमने रेड का एक साइड से हमने ये फंदे को फंदा उधर करके ऊन को उतारना है, और इसके सारे फंदे को सीधा सीधा निट करते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।